जो आपने किया है इस मुल्क और कौम के साथ पौने चार साल, उसका आपको इस कौम को भी हिसाब देना पड़ेगा जब इलेक्शन में आप हर हलके में, हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगे। ये आप फैन क्राउड जो है वो इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उसके साथ जिस किस्म की मर्जी जो है वो गुफ्तगू कर लें। जब आप हलकों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो आपकी सपोर्ट है वो आपने देख ली है। ये आपने ये दो दिन पहले आपने पूरे मुल्क में कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए, हर ज़िले में किया जाए, पूरी कौम बाहर आ जाए, ये हो वो हो। पूरे पंजाब के 36 अजला में टोटल 2345 लोग जो है वो एहतजाज करने के लिए आए। कभी आप अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जजेस के नाम लेके चीफ इलेक्शन कमीशनर जिसको आपने जो है वो ख़ुद मुकर्रर किया, उस प्रोसेस में आप खुद थे, उनका नाम लेके और उनको आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, उनको आप पॉलिटिकल एजेंट और सियासी जमातों से जो है वो जोड़ते हैं। पूरी कौम जो है वो अदलिया के साथ खड़ी है, पूरी कौम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो है वो खड़ी है। ये आपने एहतजाज करके जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जो है वो देख लिया है। अदलिया के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म का जो प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पे जो है वो किया जा रहा है, उस बारे में हमने काफ़ी इकदाम किए भी हैं, लेकिन हम इसकी साइबर क्राइम विंग की कैपेसिटी को जो है वो मैं बढ़ाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये ना हों। बाकी बाबा रहमते साहब जो है वो मिले हैं इनको दो दिन पहले, तो ये भी एक यानी बड़ी जो है वो अच्छी खबर है कि जब एक बाबा रहमते और दूसरा पागल खान ये दोनों मिलेंगे तो फिर उससे कौम को जो है वो कोई अच्छाई की तवक्को तो होगी नहीं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक अलर्ट ज़रूर है कि इस बारे में जो है वो हम भी अपने मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से रखें ताकि इन चीज़ों की जो है वो जो है इनका जो है वो तदारक किया जा सके। तो मैं दोबारा जो है ये इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ अपनी जमात की तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, और मैं इस बारे में दो इकदाम जो है वो करने जा रहा हूँ। एक तो मेरी मिनिस्ट्री जो है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये दुनिया में दुनिया के किसी मुल्क यानी आज तक ना कभी आपने सुना होगा, कम अज़ कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि दुनिया के किसी और मुल्क का भी नाम आए कि जी फलां मुसलमान मुल्क जो है वहाँ के का कोई वफद या वहाँ के कोई लोग या वहाँ के कोई लीडर वहाँ पे हरम पाक में मौजूद थे तो उसी मुल्क के लोगों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे कोई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया या नारेबाजी की है। ये किसी और मुल्क के मुतलक आज तक नहीं सुना, ये सिर्फ पहले भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो सुनने में आता रहा है, और अब तो खैर ये वाक़या जो है ये बहुत बड़ा हुआ है। इसमें शाहजैन नवाबजदा शाहजैन बुट्टी साहब के ऊपर तो फिज़िकल असाल्ट हुआ है, और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ख़िलाफ़ भी आप यही समझे कि फिज़िकल हद तक ही बल्कि बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है वो हरास किया गया है। तो मेरी मिनिस्ट्री जो है वो एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो इस बारे में जो है वो कोई अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लें, ताकि ये जो चीज़ है ये अब जिस हद तक ये बढ़ चुकी है और हम उनको ये कन्वे करने जा रहे हैं कि पूरी कौम में किस इज़्तिराब से और किस कर्ब से जो है वो लोग गुज़रे हैं, जब उनको ये मालूम हुआ है कि ये हरम पाक में जो है और मस्जिद नबवी में जो ये वाक़ियात जो है वो हुए, तो ये जो है हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इन लोगों की जो है वो वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज बनी है उसके मुतल्लक जो है वो इनकी शनाख्त जो है वो हमें करके भेजें, ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है अव्वल तो ये है कि इन लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए, ये लोग वहाँ पे रहने के काबिल ही नहीं है अर्ज़ मुकद्दस पे, और दूसरा ये है कि वो हमें भी इस बारे में मदद करें ताकि हम भी ट्रेस आउट करें कि ये कौन लोग हैं और इनके ख़िलाफ़, क्योंकि जब पब्लिक एट लार्ज लेवल पे लोगों ने इतना दुख महसूस किया है, लोग इतना इससे परेशान हुए हैं, तो वो इससे जो है वो मजहबी जज्बात जो हैं वो उभर सकते हैं।
और इससे हमें एक और तरह की सूरत हाल का जो है वो सामना किया जा सकता है। मुल्क में जो है वो बदअमनी हो सकती है, ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, तो इसलिए हमें हम ये लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि वो हमें इस बारे में एडवाइस करे कि क्या इस बारे में हम कोई मुकदमा यहाँ पे जो है वो दर्ज कर सकते हैं और हम यहाँ पे भी जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीड करें।